वेलकम एवरी वन, टूडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट वाट इज एमाइलेस एंजाइम, इट स्ट्रक्चर एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन इंडस्ट्री ऑल्सो एंड फंक्शन ऑल्सो। तो हम स्टार्ट करते हैं एमाइलेस एंजाइम। अब उसका ई सी नंबर एंजाइम कमीशन नंबर क्या है, 3.2.1.1। तो आप सबको पता है कि हर एक एंजाइम को क्लासीफाई किया गया है और उसको नाम दिया, नंबर दिया जाता है, उसके बेसिस पे ही कौन से टाइप्स ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। आपको पता है कि मेजरली एंजाइम 6 टाइप्स के रिएक्शन कैटलाइज करता है, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए कैसे याद करते हैं, ऑथलिल, यस और नो, ऑक्सी रिडक्टेस, ट्रांसफरेस, हाइड्रोलेस, ठीक है, लाइगेस, आइसोमरेस, लाइसेस। तो मेजरली 6 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, तो उसके हिसाब से नंबर भी देते हैं। पहला ऑक्सी रिडक्टेस करेगा तो फर्स्ट ट्रांसफरेस, सेकंड हाइड्रोलेस, 3 यानी से 5 6, ऐसे चलता ही रहता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पे अब हम समझेंगे कि एन एमाइलेस इज एन एंजाइम डेट कैटलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। अब देख सकते हैं हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, यानी कि इसका नाम नंबर कितने पे, थर्ड पे, इसकी उसकी स्टार्टिंग किससे होती है, 3 से होती है, एंजाइम कमीशन नंबर। बाकी ये सब डिवीजन है, 2.1.1 सब डिवीजन है कि कौन सा रिएक्शन कैटलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात होगी कि इसका इस तरह नाम दिया गया है। अब हम एक्चुअल स्टार्ट करते हैं कि एमाइलेस एक ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोलाइसिस करता है स्टार्च का, यानी कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है वाटर का यूज़ करके। अब स्टार्च है क्या, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जिसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के चेन है, नंबर ऑफ चेन है। तो यहाँ पे हमारा जो एमाइलेस एंजाइम करेगा क्या, स्टार्च पे, स्टार्च जो है उसमें जो ग्लूकोज के सब यूनिट होते हैं जिनके बीच में ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड होता है, उसको क्या करता है, ब्रेक करता है। ओके, ब्रेक करने के बाद क्या होता है, उसके मोनोसेकेराइड रिलीज होते हैं एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में। वो डिपेंड करता है कि कौन सा हमने यूज़ किया है। यहाँ पे एमाइलेस एंजाइम डिफरेंट टाइप ऑफ होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ब्रेक डाउन किया तो क्या होंगे, ग्लूकोज के मोनोमर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो कि क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। ये स्वीट इन टेस्ट नहीं होते, जितने ज़्यादा नंबर बढ़ते जाएंगे जो स्वीटनेस है ना कम होते जाएगी, और एक सिंगल नंबर रहेंगे। ओके, नहीं सी मोनोसेक्राइड है तो स्वीटनेस उतनी क्या होती है, ज़्यादा होते जाती है। तो यहाँ तक बात क्लियर, ठीक है, कि पॉलीसेक्राइड से किस में आएंगे, एक तरीके से मोनोसेक्राइड में आएंगे। अब ये बात होगी कि नेक्स्ट हम देखेंगे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे माल्टोस का स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है समझाने के लिए ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड के बारे में। तो आपको पता होगा, शायद आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में, कि ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड कभी भी अराइज होता है हेमी एसिटाल ग्रुप के बीच में, जब कभी भी दो शुगर क्या होते हैं, साथ में आते हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और जो फर्स्ट वाला है मोनोसेक्राइड, और जो दूसरा वाला सेकेंड, उसके फोर्थ पोजिशन पे क्या हुआ है, हमारे ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड बने रहते हैं। अब हेमी एसिटाल और हेमी केटाल ग्रुप के साथ बन सकते हैं ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड। तो इसी पॉइंट पे हमारे एमाइलेस क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि इसी को ब्रेक डाउन करने का हमारा काम कौन करेगा, एमाइलेस, इसी ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड को। वो डिफर करता है कि कौन से पोजिशन में, कभी कभी फर्स्ट 6 पोजिशन पे ब्रेक करेगा। ओके, तो ये बात हो गई, इसका ऐसा ब्रेकेज है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि पता है कभी भी, अब जो एमाइलेस एंजाइम कहाँ पाया जाता है, फ्रूट्स में भी पाया जाता है, बिकॉज कुछ कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, उनके अंदर स्टार्च बहुत ही ज़्यादा होता है। अब उनके अंदर स्वीटनेस आने के लिए क्या होता है, स्टार्च पहले से होता है, स्वीटनेस लाने के लिए उनके अंदर एमाइलेस एंजाइम होता है, जो क्या करता है, स्टार्च पे एक्ट होता है और ब्रेक डाउन करता है, जिसको से ग्लूकोज बनता है, इसलिए हमें वो क्या लगता है, मीठे लगते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सम फ्रूट्स में भी होते हैं और राइस में भी होते हैं और पोटैटोस में भी होते हैं, स्वीट पोटैटो में तो कुछ ज़्यादा ही पाए जाते हैं। तो ये बात हो गई कि ये इसका स्ट्रक्चर, इसका बॉन्डिंग पैटर्न। आपको ये भी याद रखना है कि जो उसकी कैटलिटिक पार्ट है, आपको पता है कि एंजाइम जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, इसमें आपके स्ट्रक्चर आके, या फिर कह सकते हैं अपने सबस्ट्रेट आके बाइंड होते हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इसकी कैटलिटिक पार्ट है, यहाँ पे 3 मेन रेसिड्यूज होते हैं, एस्पार्टिक एसिड के
एसिड के और एस्पार्टिक एसिड के जो आपके दिए हुए हैं, तीन मेन रेसिड्यू यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं अमीनो एसिड। तो अब एंजाइम को क्लासिफाई किया गया कि कहाँ वो मिल रहे हैं, कौन से टिश्यू से मिल रहे हैं और कौन से पार्ट पे वो एक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप अल्फा। ठीक है, अल्फा सोर्स कहाँ है, एनिमल से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है और माइक्रोब से भी मिलता है। नेक्स्ट, अब एनिमल में मिल रहा है तो कौन से टिश्यू से आ रहे हैं, कौन से टिश्यू से रिलीज होता है, सेलिवरी ग्लैंड है और सलाइवा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, सलाइवा और पेनक्रियास में, आपके अल्फा टाइप ऑफ एमाइलेस। क्लीवेज साइट वो कहाँ पे ब्रेक करता है, रैंडमली स्टार्च इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, किसी भी साइड पर जाके ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड पे क्या करेंगे, हमला करेंगे और तोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका मेन है अल्फा 1-4 पोजिशन पे, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, अब बनता क्या उससे प्रोडक्ट, तो माल्टोज बनेगा जो कि क्या होता है, डाइसेकेराइड है, यानी कि क्या होगा, ग्लूकोज से माल्टोज बनेगा, सॉरी स्टार्च से क्या बनेगा, माल्टोज। अब डेक्सट्रिन भी बन सकता है, अब डेक्सट्रिन क्या होते हैं, बहुत होमोपॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के, बट इतने बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं, भी उनके अंदर क्या होता है, डी ग्लूकोज होता है। अब आपको पता है कि एंजाइम को एक्ट होने के लिए पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर कंडीशन चाहिए रहता है, एकदम हाई रेशियो या फिर कह सकते हैं हाई टर्न ओवर नंबर दिखाने के लिए, तो उसका ऑप्टिमम पीएच क्या है, 6.7 to 7.0, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 63 degrees Celsius to 70 degrees Celsius। नेक्स्ट, अब जो बीटा है हमको प्लांट से मिलता है, माइक्रोब से मिलता है, एनिमल से नहीं मिलता, वो किस में ज़्यादातर पाया जाता है, सीड्स और फ्रूट में। ठीक है, नेक्स्ट, बिकॉज सीड्स में क्यों चाहिए, जर्मिनेशन के दौरान जब कभी भी उनको लीव बनाना रहता है उसमें एनर्जी चाहिए, जो उनका स्टोरेज प्रोडक्ट होता है स्टार्च उनके अंदर होगा तो क्या वो ब्रेक डाउन होगा। सेकेंड, अल्फा 1-4 पोजिशन पे क्या होता है, ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड पे एक्ट करता है और क्या रिलीज करेगा, माल्टोज डाइसेकेराइड। उसका एक्चुअल पीएच ऑप्टिमम पीएच क्या है, 4-5 और हाई टेम्परेचर 55 और या फिर कैसे, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर 55 degrees Celsius to 65 degrees Celsius होता है। अब जो गामा है, ठीक है, कह सकते हो अल्फा और कह सकते एनिमल और प्लांट माइक्रोब्स में मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, टिश्यू से रिलीज होता है। एंड थर्ड लास्ट अल्फा और 1-4 पोजिशन पे ग्लाइकोजेटिक बॉन्ड पे लास्ट पे, ठीक है, लास्ट में जो स्टार्च के मॉलिक्यूल होते हैं ना, रेंडमली कहीं पे भी लास्ट पोजिशन पे, नेक्स्ट क्या रिलीज करता है, ग्लूकोज, और उसका यहाँ पे ऑप्टिमम पीएच बहुत ही एसिडिक कंडीशन में चाहिए रहता है, 3 पीएच पे वर्क करता है। ओके, तो ये बात होगी कि कुछ उसके टाइप से, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे उसके इम्पोर्टेंस, प्रैक्टिकल और इंडस्ट्रियल यूज ऑफ द एमाइलेज एंजाइम।